हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त राइडर वीर जी और मैंने पूरी राइडर फैमिली का स्वागत करता हूं आज एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम अपनी बजाज पल्सर N250 की अगेन दोबारा से एक माइलेज टेस्ट करने वाले, जिसमें कि मैं बाइक चलाऊंगा और पीछे मनु भाई बैठेगा, मतलब राइडर और प्लेन दोनों रहेंगे। अब दोनों लोगों के साथ सिटी के अंदर ये बाइक क्या माइलेज देती है अपन इस वीडियो में देखेंगे। और हमें प्रोसेस वही रहेगा, अभी बाइक की टंकी बिल्कुल खाली है, एक माइलेज टेस्ट हम ऑलरेडी करके आए हैं तो टंकी में बिल्कुल तेल नहीं हो। एक बार मैं आपको बाइक स्टार्ट करके भी दिखा दूंगा, उसके बाद फिर इसमें 250 ml भाई पेट्रोल डालेंगे, वो बच्चों की बोतल में जो हम पेट्रोल डालते हैं हमेशा से। मनु भाई पेट्रोल बोतल दियो, ये बोतल अभी गिर गई थी तो थोड़ा पेट्रोल कम हो गया, एक बार उसमें पेट्रोल दोबारा डाल लेते हैं, इसको 250 ml पूरा करते हैं, उसके बाद फिर बाइक में डालने से पहले आपको बोतल ज़रूर दिखाऊंगा कितना ml पेट्रोल इसके अंदर है, और उससे पहले बाइक भी स्टार्ट करके ज़रूर दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में यही सब कुछ होने वाला है और उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आएगी, तो यहां से अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मैं राइडर और बाइक पिलियन की तरह बाइक पर बैठेंगे। तो अभी एक बार आप बोतल देख लो, बोतल में प्रॉपर 250 ml पेट्रोल हमने पूरा कर दिया है। इसकी एक मैं फ़ोटो ले लेता हूँ अभी, और आप सभी एक फ़ोटो देख लेना कितना पेट्रोल है, क्योंकि गोप्रो में से साफ समझ नहीं आता, फ़ोटो लेनी ज़्यादा ज़रूरी है यार, ताकि आप लोगों को भरोसा रहे भाई पे पूरा। तो एक बार इसकी फ़ोटो ले लेते हैं, 250 ml यार पेट्रोल थोड़ा हिल रहा है, बाकी फ़ोटो मैंने ले दी है, ठीक है। तो आप फ़ोटो देख लेना, आपको फ़ोटो में समझ में आ जाएगा, प्रॉपर 250 ml पेट्रोल बोतल के अंदर है। और अभी इसको अपन टैंक में डालेंगे और स्टार्ट करके बाइक को दिखा देता हूँ, उससे पहले बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है तो ज़्यादा स्लिप नहीं मारेंगे। और इसी बता देता हूँ, देखो ये जो चीज़ मैं करता हूँ ना बाइक में से पेट्रोल पूरा निकाल के फिर माइलेज टेस्ट करता हूँ, तो इससे बाइक का जो फ्यूल पंप है, फ्यूल इंजेक्टर है, इसमें प्रॉब्लम आने के चांस होते हैं, तो ऐसा कभी भी आप मत करना प्लीज़। ये बस वीडियो बनाने के लिए, टेस्टिंग के लिए, माइलेज की जो टेस्टिंग हो रही है उसके लिए किया जा रहा है, बाकी ऐसा उसके अलावा हम कभी नहीं करते हैं ऐसा। ये ओनली आप लोगों को एक्यूरेट माइलेज दिखाने के लिए किया जा रहा है बस। तो अभी 250 ml पेट्रोल मैंने इसमें डाल दिया है, इसको बैग में रख ले, हम दो लोग रहेंगे, जैसे मैंने आपको बताया एक बैग और हमारे साथ, इस बैग में एक्स्ट्रा पेट्रोल रखा हुआ है, उसके अलावा हमारे कैमरे वगैरह रखे हुए हैं, और जो दूसरी बाइक थी हमारी R5 वो हमने उधर पार्क के सामने एक गेट के पास खड़ी कर दी है। तो अभी अपनी ट्रिप को ज़ीरो कर लेते हैं, ये हो जा, हाँ ट्रिप 1 इसको करते हैं ज़ीरो। तो ट्रिप 1 में ज़ीरो हो गया है, ठीक है, देख रहे हो ट्रिप 1 ज़ीरो है। और ओडोमीटर आप एक बार नोट कर लेना, ओडोमीटर में 562 किलोमीटर चली हुई है अपनी बाइक। तो ये बाइक को लेके चलते हैं और देखते हैं क्या माइलेज देती है पिलियन के साथ ये बाइक। तो मनु अभी बाइक के ऊपर बैठ चुका है, देख रहे हो आप, तो अभी क्या बात है, स्टार्ट ही नहीं हो रही, हाँ हो गई, तो चलते हैं अपने पिलियन के साथ माइलेज टेस्ट होने वाली है। इसकी हेडलाइट देखो कितनी मस्त है, मतलब दिन के अंदर भी जब बाइक को मैं ऐसे टर्न ले रहा हूँ ना, मोड़ रहा हूँ, तो एक साफ जितनी हेडलाइट है ना, मतलब जहाँ जहाँ पे लाइट पड़ रही है वो प्रॉपर दिखाई देती है कि भाई कितनी जगह में इसकी हेडलाइट की ब्राइटनेस जा रही है। तो अभी अगर माइलेज पर ध्यान देते हैं अपन, ठीक है, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, हम दो लोग बैठे हैं, ये मनु है और ये मैं हूँ। कभी कोई भाई कमेंट करेगा भाई सिंगल बंदे में टेस्ट कर दिया, फिर ऐसा कर देते हैं, काफी लोग होते हैं कर देते हैं ऐसे कमेंट, तो उनसे बचने के लिए। और देखो यहाँ भी बता दूँ, मैं बाइक को बहुत ही नॉर्मल चला रहा हूँ, बिल्कुल भी भगा नहीं रहा हूँ, कोई हार्ड ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, बाइक को नॉर्मल जितना हो सके उतना चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी ये सब चीज़ें डिपेंड करती है ट्रैफिक के ऊपर, ट्रैफिक कितना मिलता है कितना नहीं मिलता है, उसके हिसाब से माइलेज ऊपर नीचे हमेशा होती है, लेकिन आपको एक अच्छा आइडिया ज़रूर मिल जाएगा वीडियो से कि कितना माइलेज, लगभग कितना माइलेज बाइक निकालती है पिलियन के साथ, मतलब दो लोग अगर बाइक के ऊपर बैठे हैं तो लगभग कितना माइलेज निकालती है। मान के चलो अभी इसने 30 का माइलेज दिया, फिर 35 का माइलेज दिया, 35 का माइलेज दिया मान के चलो, तो हमेशा 35 का नहीं देगी, कभी 32-33 हो जाएगा, कभी 38-39 हो सकता है, 40 भी हो सकता है, सब कुछ डिपेंड करता है ट्रैफिक पे और कितनी बार आप बाइक को, मतलब कितनी बार ब्रेक प्रेस करते हो बाइक के और कितनी बार गियर शिफ्ट करते हो। गियर अप शिफ्ट करने और डाउन शिफ्ट करने से भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है बाइक की माइलेज के ऊपर सिटी में, इसीलिए तो माइलेज कम निकल के आती है हाईवे के कंपेरिजन में। अगर आप हाईवे पे इसमें स्पीड पे चलाओगे ना, एक अच्छी स्पीड पे, तो वहाँ पे बाइक अपनी महंगी माइलेज निकाल के देखती है। When I was
was just a boy. Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the. पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है देखो अब. बार बार बाइक में अब शिफ्ट और डाउन शिफ्ट मुझे करना पड़ रहा है. बार बार गियर निकालने पड़ रहे हैं और डालने पड़ रहे हैं. तो इसका माइलेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा. देखते हैं क्या माइलेज देगी बाइक अपनी. ये जो ट्रैफिक है ना बाइक की माइलेज को खा जाता है. ये खा जाता है समझ रहे हो. क्योंकि बाइक हमेशा अच्छी माइलेज टॉप गियर में दे सकती है ना कि लोअर गियर में. मतलब छोटे गियर में कभी भी बाइक माइलेज नहीं देती. चाहे वो बाइक हो कार हो कोई भी व्हीकल हो अपना माइलेज ओनली बड़े गियर में देती है. लेकिन बड़े गियर में बाइक चल ही नहीं पाती अपनी. फिर से ट्रैफिक आ गया है. ट्रैफिक से निकल ही नहीं पा रहे हैं अपन यार. यहाँ से यू टर्न लेते हैं क्योंकि अभी थोड़ा ट्रैफिक कम हो गया. वापस अपन ट्रैफिक में ही चलते हैं क्योंकि एक्चुअल सिटी माइलेज तभी निकल सकती है बाइक की. और बाइक अपनी चल गई 4.3 किलोमीटर मतलब 4.3 किलोमीटर. देखते हैं कितने किलोमीटर और कवर कर सकती है अपनी बाइक. और दोबारा से अपन ट्रैफिक में जा रहे हैं. देख रहे हो सामने ट्रैफिक अच्छा खासा और जाम भी लगा हुआ है. और बाइक ना फिफ्थ गियर में तो कभी कभी चल पा रही है. मैक्सिमम टाइम पर बाइक फोर्थ या थर्ड गियर में चल रही है. अभी अपनी बाइक 7 किलोमीटर चल चुकी है ट्रिप वन में. 77.1 मैं 71 बोलने वाला था. 7.1 है वो. 7.1 अपनी बाइक चल चुकी है. और शायद मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत ही और चल पाएगी अपनी बाइक. अभी देखते हैं कितना कंट्रोल चलेगी. अभी अपनी बाइक 8.5 किलोमीटर चल चुकी है. देख रहे हो जब मैं सोलो इस बाइक की वो माइलेज सेट कर रहा था उस टाइम बाइक 8.3 किलोमीटर बंद हो गई थी. और अभी 8.6 किलोमीटर में पहुंच गई है यार. सर इस वीडियो में मतलब मेरी स्पीड थोड़ी ऐसी अप रही थी. अभी मैं 50 तक मैं बाइक चला रहा हूँ. 45-50 उस टाइम मैं 60-65 तक भी मैंने बाइक चलाई है. और उसके अलावा अपशिफ्ट और डाउन शिफ्ट भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी उस टाइम पर. तो शायद इस वजह से उस वीडियो में माइलेज ड्रॉप हुई है बाइक की. तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब बाइक में बार बार गियर अपशिफ्ट और डाउन शिफ्ट करने पड़ते हैं मतलब बार बार गियर निकालने और डालने पड़ते हैं तब माइलेज कितनी ज़्यादा ड्रॉप होती है. इस वजह से बोलते हैं भाई माइलेज अच्छी चाहिए तो रफ मत चलाओ बाइक को. प्यार से चलाओ. माइलेज देती है प्यार से चलाने से. अभी फ़िलहाल बंद हो गई बाइक. काफ़ी देर बाद बंद हुई है बाइक. अभी स्टार्ट करके देखते हैं एक बार स्टार्ट होती है फिर नहीं होती है या फिर माइलेज कैलकुलेट कर लेते हैं अपनी. अगर ये बाइक स्टार्ट नहीं होती दोबारा तो थक गया क्या. नहीं हो रही है भाई. 9.5 किलोमीटर अपनी बाइक चली है. देख रहे हो 9.5. एक बार दोबारा चाबी ऑफ करके ऑन करके दिखा देता हूँ मैं आपको. पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है. अब ये बाइक स्टार्ट नहीं होगी. आप लोगों के लिए एक बार और ट्राई करते हैं. देख रहे हो अब बार बार स्लप मारने का कोई मतलब नहीं है बाइक में. अपन देख लेते हैं माइलेज क्या दी है और मीटर क्या माइलेज शो कर रहा है. 9.5 किलोमीटर ट्रिप ए में चली है और मीटर माइलेज शो कर रहा है इसका 48 किलोमीटर. ये पिछली वीडियो में भी 48 दिखा रहा था और इस बार 48. ये चेंज होता भी है फिर नहीं होता. 9.5 × 4 38 की माइलेज दी है बाइक ने. ये देख रहे हो 38 की माइलेज दी है. जबकि पिछली वीडियो में जब मैं सोलो बाइक को राइड कर रहा था उस टाइम बाइक ने लगभग 33-34 के आसपास बाइक ने माइलेज दी थी. वो इस वजह से था क्योंकि उस टाइम मेरी स्पीड भी 60-65 के आसपास थी और जो ट्रैफिक के अंदर थोड़ा सा मैंने एक दो बार हार्ड ड्राइव भी किया था और
डाउन शिफ्ट और अप शिफ्ट में काफ़ी ज़्यादा वार हुआ था, क्योंकि जो सिटी का मेन वाला रोड है उसके अंदर उस टाइम ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, अभी ट्रैफिक कम हो चुका है वहाँ पे, तो इसका फ़र्क पड़ता है। देखो सिटी के अंदर हमेशा ट्रैफिक का सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपकी माइलेज के ऊपर, सबसे ज़्यादा आप कितनी बार बाइक में अप शिफ्ट कर रहे हो, कितनी बार डाउन शिफ्ट कर रहे हो। तो इसलिए बोलते हैं थोड़ा सा आराम से चलाया करो, केयरफुली चलाया करो, आप भी अच्छे रहोगे और केयर करोगे अपनी, और आपकी बाइक की भी अच्छी माइलेज रहेगी, मतलब बाइक अच्छी माइलेज रहेगी। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान दिया करो यार। अब यहाँ से इन दोनों वीडियोस आपको ये तो समझ में आ गया, मैं पिलियन के साथ था तब भी अब की बार बाइक ने ज़्यादा माइलेज दी है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा कम स्पीड पर और ज़्यादा अच्छे से चलाया बाइक को। तो इस वीडियो में ये सब कुछ था, वीडियो आपको पसंद आया वीडियो को लाइक कर लेना, अपने बाइक को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, काफ़ी अच्छा लगता है जो आप लोग इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखो ना, मस्त रहो, खुश रहो यार।